चलिए तो ये देखो हमारे पास जो है 3x3, ठीक है ना। ये देखो तीन तो इसमें क्या है, रो 1, 2 और 3, और तीन इसमें क्या है, कॉलम यानी पंक्ति, तो सॉरी स्तंभ। अब हमको करना क्या है, मान लो इसको एक्सपांड करना है, इसका प्रसार करना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये हमारा डिटरमिनेंट सारणिक, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको डिटरमिनेंट और हिंदी में इसको सारणिक कहते हैं। तो इसको ओपन करना पड़े तो बहुत ही आसान है, कल भी मैंने बताया था क्या करना है। देखो पहला आता है धनात्मक, कैसा आता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, लेकिन ये कैसा है यहाँ पर, -2 है, तो लिख लेंगे क्या इसको माइनस। अब क्या करते हैं, इसके सामने वाला ये और इसी के सामने वाली ये पंक्ति यानी रो, दोनों को क्या कर देना है, हटाना है। तो एक तो ये गया और एक ये गया, समझना बेटा अच्छे से। इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। अब दूसरे में आता है माइनस, देखो पहला आता है प्लस और दूसरा आता है माइनस। ये देखो ये बच्चा बोलेगा कि यहां सर माइनस आया, तो वो खुद माइनस का था। अब दूसरा कैसा आता है, माइनस, और ये कौन हो जाएगा, 4। अब तो 4 के सामने वाला स्तंभ और 4 के मतलब उसके सामने वाले हट जाएंगे, ठीक है ना, ये तो जाएगा कॉलम और ये जाएगी रो, ये दोनों हट गए। दोनों हटने के बाद 4 अवयव दिख रहे होंगे आपको, 3, 2, 3, 0, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना हो जाएगा, 0, और इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, -6, सही है क्या। चलिए अब तीसरा कैसा आएगा, पॉजिटिव धनात्मक आएगा, तो एक तो ये जाएगा इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ये जाएगा, कौन आ जाएगा बेटा, 2 + 3 = 6, 6 + 2 सही है क्या। अब देखो यहां से इसको देख लेते हैं, ये -2 का मल्टीप्लाई, देखो 6 में से 0 में से 6 जाएगा तो -6, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12। अच्छा ये कौन है, माइनस, ये -6, तो माइनस माइनस प्लस के 24, और 6 ये 2 8 और 8 = 8, देखो बेटा 8 और 24 = 32, और 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44, तो 44 आंसर आना चाहिए, कितना है, -4 आ गया। ये तो गड़बड़ कर रहे, चलो एक और करते, तुम्हारा क्या है शाम, शाम चलो एक और देखते हैं, ये नहीं आएगा ना तब तक आगे कोई मतलब नहीं बढ़ने से। चलो एक और देखते हैं, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए इसकी वैल्यू निकालना कितनी आ रही है, -1, चलो माइनस हटाते हैं, 1, 2, 0, 3, 1, -2, 4, 6, 3, ठीक है, ये दे रखा है, और इसकी वैल्यू, इसका मान निकालना कि वो एक्चुअल में आने क्या वाला है, ठीक है ना। देखते हैं कि इसका मान क्या आ रहा है, तो बहुत ही आसान है, अभी मैंने आपको खोलना सिखाया, क्या करना है उसके लिए बोलो जल्दी से। सबसे पहला काम क्या होगा, देखो एक से खोलेंगे तो पहला तो आता है पॉजिटिव, ये कौन आ जाएगा, 1, तो 1 के सामने वाला तो ये जाएगा स्तंभ मतलब कि कॉलम, और 1 के सामने वाली जाएगी पंक्ति यानी क्या आ जाएगा बेटा, रो। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 अवयव दिखेंगे आपको, 1, 2, 3, 4, इसका गुणा इसमें करो, 3 = 3, बीच में आता है माइनस, और इसका गुणा इसमें करोगे तो 6 × 12 पर ये खुद माइनस का है, तो वो माइनस माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा, 12। देखो पहला पॉजिटिव प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला, तो बीच में क्या आएगा, माइनस, तो कौन आ गया बेटा, 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप समझ ही नहीं रहे कि 3 के सामने वाला तो स्तंभ हटा दो और 3 के सामने वाला ही पंक्ति हटा दो, तो जब ये और ये गए तो फिर 4 अवयव दिखेंगे आपको, 2, 0 और 6, 3 दिख रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 3 × 6, और इसका इसमें करोगे तो -0, सही है। देखो ये पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा फिर पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, प्लस का आएगा, तो देखो कौन है वो, अब 4, तो कुछ नहीं, 4 के सामने वाला स्तंभ हटा दो और 4 के सामने वाली ही पंक्ति हटा दो, 4 अवयव दिखेंगे, 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कौन आ जाएगा, -4, और इसका इसमें करोगे तो कौन आ जाएगा, -0, क्या ये समझ में आया। अब देखो 3 और 12 कितना हो गया, 15, और 15 का 1 × 2 करोगे तो 15, माइनस ये कौन हो गया, 3, लेकिन जिस 6 में से 0 जाएगा तो 6 × 6 = 18, ठीक है, और ये -4 में से -0 का जाएगा तो -4, और -4 × -4 में करोगे तो -16, क्लियर है क्या। अच्छा इन दोनों का सम देख लो, ये नेगेटिव नेगेटिव का, ये तो गया 15 - 34, उत्तर आ जाएगा -19, क्या ये आया क्या, अभी भी गड़बड़े, कोई प्रॉब्लम है, एक और देखते हैं, अगर दिक्कत है तो एक और बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शाम आ गया क्या,
एक और बनाते, हो गया। अजय कुछ आया बेटा समझ में? अजय हाँ सर आ गया। चलो देवेन तुमको बेटा सर आ रहा है कैसे? हाँ ठीक है देखते हैं कैसे एक्सपांड करना है, एक और देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया है 2, 3, 5, 2 - 1, 2, 5, 0, 6, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, मतलब ये सारणी की, और इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, इस टाइप के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे आप देखिएगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, करना क्या है, किससे खोलेंगे इसको, 2 से, तो 2 से देखो कुछ नहीं करना है आपको, 2 के सामने वाला तो स्तंभ हटा दो और 2 के सामने वाली पंक्ति हटा दो। हटा दिया, अब 4 अवयव दिख रहे, 1, 2, 3, 4, तो आपको इसका गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा, -6, और इसका गुणा इसमें करोगे तो -0। अच्छा बताओ ये आ गया क्या, अब क्या करना है, पहला कैसे आता है पॉजिटिव धनात्मक प्लस का, दूसरा कैसा आएगा माइनस का, तो माइनस कौन आ जाएगा वो 2। तो अब क्या करना है, 2 के सामने वाला तो स्तंभ मतलब कि आपका कॉलम, और 2 के सामने वाली रो यानी पंक्ति हटा दो। तो देखो ये हट गया और ये हट गया, फिर 4 अवयव दिखेंगे आपको, 1, 2, 3, 4, सही है क्या, देखो 1, 2, 3, 4। तो अब क्या करोगे, देखो कितना हो जाएगा 18, और माइनस का कौन हो जाएगा 0, सही है क्या। अब अगला कैसा आएगा, पॉजिटिव धनात्मक आएगा, और वो कौन आएगा 5, तो 5 के सामने वाला जाने दो स्तंभ, और 5 के सामने वाले जाने दो पंक्ति, तो फिर आपको क्या दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 4 अवयव दिखेंगे, इसका गुणा इसमें करो तो कौन आ जाएगा 6, और क्या आना चाहिए माइनस, और 5 का गुणा -1 में करोगे तो -5, पर बीच में पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 5। अब आ गया होगा समझ में, अब देखो -6 में से कौन गया 0, तो -6 में से 0 जाएगा तो -6, और उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो -12, ठीक है। अब 18 में से 0 जाएगा तो 18 मतलब 18 ही बचेगा, और उसका 2 के साथ करोगे तो -36, 6 और 5 कितना हो गया, ये 11, तो कितना हो गया वो 55, सही है। अच्छा दोनों का मिलकर हो गया -48, और प्लस के क्या हो गया 55 में से 48 चलेगा, 48 चलेगा, कितना बच गया, अब तो थोड़ा बहुत आ गया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं आया, अब तो क्लियर आ गया होगा कि कैसे एक्सपांड करना है, ओके सर पूरा आ गया, हो पाएगा क्या। चलिए तो हमने ये सीखा था कि 3 × 3 की, ये 3 तो इसमें देखो ये 3 और ये भी 3, स्तंभ और पंक्ति दोनों 3-3 है, तो 3 × 3 के सारणिक डिटरमिनेंट को कैसे ओपन किया जाता है, इतना क्लियर है क्या। फिर हमने कल इसकी विशेषताएं, और इंग्लिश में हम लोग बोले तो प्रॉपर्टीज देखी थी, क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज विशेषताएं, देखो बेटा सबसे पहले ये बताया था कि किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति में सारे अवयव क्या हो जाए, शून्य, बाकी कुछ भी हो, ए बी सी डी ई एफ, जैसे ये सारे एक स्तंभ के सारे अवयव क्या हो गए, शून्य, या फिर समझना बेटा किसी भी पंक्ति, जैसे ये हो गया 0, 0, 0, ये हो गया आपके पास ए बी सी और डी ई एफ, अगर किसी भी स्तंभ के सारे अवयव मतलब एक एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव क्या हो जाए, शून्य, तो उसको खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसका मान कितना आ जाएगा, 0। कल ये बताया था मैंने, याद आया क्या, उसके बाद और आगे बढ़ी, समझना बेटा सारे अवयव क्या हो जाए, 0, शून्य, तो उस डिटरमिनेंट का मान भी कितना हो जाएगा, शून्य। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो मैंने बताया था कि कोई भी दो स्तंभ यानी कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, कोई भी दो स्तंभ, मान लो ये हो गया एबीसी और ये हो गया एबीसी, बाकी दूसरा आ गया डीईएफ, कोई भी दो स्तंभ आपस में क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए, समान हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का मान भी कितना हो जाएगा, शून्य, उसको भी खोलने की जरूरत नहीं। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर ये स्तंभ ही नहीं पंक्ति भी रो भी, जैसे कैसे ए बी सी और ए बी सी और क्या आ जाए डी ई एफ, तो भी उसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो भी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी उसको खोलने की जरूरत नहीं। उसके बाद मैंने बताया था कि मान लो आपके पास ये 2 × 2 का ही ले लेते ए बी और सी डी, ये 2 × 2 का, क्योंकि इसमें 2 तो पंक्ति है और 2 स्तंभ। मैंने ये बताया था कि अगर आप पंक्तियों को आपस में बदलोगे
या स्तंभों को आपस में बदलोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ये कौन है? सी वन, और ये कौन है? अच्छा सी वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये कॉलम है, ठीक है। और ये कौन है आपका? आर वन। और ये कौन है आपके पास? आर टू। क्योंकि ये क्या है? आपकी पंक्ति, लेकिन इंग्लिश में इनको बोलते हम लोग रो। क्लियर है क्या? तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि सी वन यहां आ जाए और सी टू यहां आ जाए, इनको बदलना चाहते हो, यानी क्या लिखोगे? सी वन और सी टू आपस में क्या हो जाए? बदल जाए। तो अगर ये बदलेंगे तो बाहर आपको लगाना पड़ेगा माइनस, और अब क्या होगा? ये जो सी टू है सी वन की प्लेस पे आ जाएगा और सी वन सी टू की जगह चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? सी डी ए बी। क्या ये समझ में आया? क्या नहीं आया? आ गया। और मान लो फिर बदलना चाहते हो तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या इतना क्लियर है? और अगर नहीं बदलोगे तो जो जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। तो आपको ये ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इतना कल मैंने बताया था इतना। फिर मैंने लिखवाया था आपको यूनिक ऑपरेशन, ठीक है ना? क्या बोला था मैंने उसको? यूनिक ऑपरेशन। इंग्लिश में ही बोला था उसके लिए मैंने आपको कि यूनिक ऑपरेशन आपको याद रखना है। यूनिक, यूनिक यानी अद्वितीय, अद्वितीय यानी एक, उसके जैसा कोई भी नहीं। अगर ये आएगा तो ये एक ही ऑपरेशन लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या बताते, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि अगर किसी भी पंक्ति में एक 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 आ जाए, किसी में, जरूरी नहीं कि पहली में हो, दूसरी में भी हो या तीसरी में भी हो, अच्छे से सुनो, क्या आ जाए? एक एक आ जाए, तब हमेशा ये ऑपरेशन लगाना है। कौन सा? सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी वन, ठीक है, और सी थ्री इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन। अच्छा, ऐसा करने का फायदा भी बताया था कि सी टू में से क्या कर रहे हैं बेटा, बोलो जल्दी से, सी वन को माइनस, तो बता दो यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। और क्या कर रहे हैं? सी थ्री में से सी वन को माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? देखो ना, सी टू में से सी वन, एक में से एक जाएगा, यहाँ जो हो रहा है उसको होने दो, हमको उससे नहीं मतलब है। यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। और यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। तो बताओ, दो से खोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट एक से खोलेंगे तो ये तो जाएगा स्तंभ, ये पंक्ति, और चार अवयव का गुणा करके अपना काम हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो ये याद रख लो, रट लो, क्या? यूनिक ऑपरेशन। कब? जब भी रो में, मतलब कि पंक्ति में, कोई सी भी पंक्ति हो, क्या आ जाए? वन वन वन, एक एक आ जाए, तब हमेशा सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी वन और सी थ्री इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन को अप्लाई करना है। क्लियर है क्या? तो ये किसकी बात हो गई थी? पंक्ति की। लेकिन अगर स्तंभ में एक एक आ जाए, जैसे एक एक एक, ये से बाकी यहां कुछ भी अभी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इनसे नहीं डरना है, ये कुछ भी हो सकते हैं। हमको दो ऑपरेशन दिमाग में बिठाना है। पहला ऑपरेशन आ गया क्या? कि अगर, बोलो जल्दी से, पंक्ति में एक एक आएगा तब हमेशा सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी वन और C3 इक्वल टू C3 माइनस C1 को अप्लाई करना है। क्लियर है श्याम क्या? और अगर स्तंभ में एक 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 आ गया, नहीं आएगा तो लाएंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि हमको पता ही आ जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एक एक आ गया तो क्या करेंगे बेटा? R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। देखो ये R2 है और ये R1 है, R2 में से कौन जाएगा? R1, तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? और क्या कर देंगे? R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? हाँ, पूरे में माइनस होगा वो, ठीक है ना? पर होने दो ना, अपने को यहाँ जीरो, दो जीरो मिल जाएंगे, इससे प्रसार करेंगे तो बस चारों अवयव का ही तो इंटू करना है, बाकी तो सब बढ़ जाएंगे। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? चलिए फिर से मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। किसी भी स्तंभ के सारे अवयव क्या हो जाए? शून्य, तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। पंक्ति के सारे अवयव शून्य, जीरो, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। क्लियर है क्या? अगर दो कॉलम, मतलब यानी दो स्तंभ क्या हो जाए? समान, तो बिना सॉल्व किए सारणी का मान शून्य। अगर दो पंक्ति रो क्या हो जाए? समान, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। क्लियर है क्या? फिर क्या बताया था कि अगर चेंज करोगे, बदलोगे, तो चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है क्या? फिर क्या बताया था कि अगर एक 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 पंक्ति में आ जाए तो यूनिक ऑपरेशन, रट लो, सी टू माइनस सी वन और सी थ्री माइनस सी वन। क्लियर है क्या? और अगर एक 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 कहां आ जाए? स्तंभ में, तो रट लो आर टू माइनस आर वन और आर थ्री माइनस
आर वन, क्या क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक क्वेश्चन करते हैं ना, क्या इतना क्लियर है क्या? चलो हटा दो मैं क्या, तो वो थ्री क्रॉस थ्री का एक्सपांड करना आ गया क्या? उसकी जरूरत लगेगी हमको रस्ते में, आ गया क्या? तो चलो क्वेश्चन लिखो, चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये हो गया आप लोगों का, तो क्वेश्चन राइट करिए। सभी ने नोट कर लिया ये वाला, ये बहुत, ये यूनिक ऑपरेशन बहुत काम के ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन राइट करिए आप लोग अगला, हटा दूं ना मैं इसको, तो कल वाले क्वेश्चंस हो गए थे आप लोगों से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन राइट करिए आप लोग, क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि शोधित, सिद्ध कीजिए कि शोधित, और ये दे रखा बेटा बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इक्वल टू में हमको लाना है ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, सिद्ध करना है, इसको शो करना है, ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है कि ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो लाना है वो तो आरएचएस में, हम काम कहां पर करेंगे, एलएचएस में। अभी तो लेना इधर, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बाद में देखना, अरे मैं तुमको नहला दूंगा इधर, ठीक है, अच्छे से ध्यान दो इधर, ये कौन है एक एक एक, ये कौन है एक एक एक, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, लाना क्या हमको ए माइनस बी, बोलो थोड़ा साथ में, अपने आप खुल जाएगी, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलएचएस को लेते हैं, किसको लेते हैं, एलएचएस को। अब एलएचएस को लेने के बाद अगर पहला क्वेश्चन है तो आप समझ भी सकते हो, बाद में नोट कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। अब देखो हमको इसको देखकर क्या लगता है, कोई दो पंक्ति एक जैसी बन रही है क्या? नहीं बन रही, क्या बन रही, क्या स्तंभ एक जैसे बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे, कहां बन रहे? अरे देखो ना ये एक 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 ही कहां बन रहे, कोई भी एक जैसा तो बन नहीं रहा, और उत्तर भी हमको जीरो नहीं लाना है, जीरो लाना होता तो एक जैसा बनाने की सोचते, क्लियर है क्या? अब देखो अब आपको क्या दिख रहा है, एक 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 दिख रहा है क्या? और मैंने अभी बताया था कि अगर वन 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 दिखे, और किसमें दिख रहा है ये, बोलो जल्दी से, बोलो सी वन की बात छोड़ो, कॉलम में दिख रहा है कि दिख रहा है, अरे ये तो सी वन ही है, ये सी टू है और ये सी थ्री है, वो तो सही बोल रहे थे तुम, पर क्या ये कॉलम दिख रहा है कि दिख रहा है? और मैंने बताया था कि अगर स्तंभ में एक एक दिखे तो हमारा रटा रटाया ऑपरेशन, बोलो जल्दी से, आर टू इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, और बोलो जल्दी से आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन। तो बता दो ऑपरेशन आर टू और आर थ्री में लग रहा है, आर वन में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, देखो आर टू और आर थ्री में, तो बता दो आर वन में कुछ किया है क्या? तो आर वन को एज इट इज लिख दो, आर वन क्या है, एक ए और ए स्क्वायर, देखो ये आर वन, एक ए और ए स्क्वायर, सही है क्या? अब क्या कर रहे हैं, आर टू में से आर वन को कर रहे हैं माइनस, तो एक में से एक गया तो सही है क्या, बी में से ए गया तो बोलो बेटा बी माइनस ए, अच्छे समझो, और बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या थोड़ा वो समझ में आया, क्लियर है क्या? देखो आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन हो गया क्या? अब क्या करने वाले हो, आर थ्री, देखो आर थ्री माइनस आर वन, तो आर थ्री ये है आर वन ये है, समझते जाओ, आर थ्री में से आर वन गया तो क्या आ गया, जीरो, सी में से ए गया तो सी माइनस ए, ये गया तो क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चे को इतना जल्दी होती है कि सर एक्सपांड कर दे, प्रसार कर दे, मैं बोलता हूं दो मिनट और रुक जाओ तो और अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो यहां कौन है आपके पास, एक जीरो जीरो, उसको दो जीरो दिखते से जल्दी होती है कि सर खोलो इसको उत्तर आने वाला है, बोलो दो मिनट रुक जाओ बस थोड़ा सा लेट आ जाएगा। देखो क्या, ये तो हो गया ए, ये कौन हो गया बी माइनस ए, और ये कौन हो गया सी माइनस ए, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या?
अब देखो ये कौन हो गया ए स्क्वायर, अरे हो गया। और इसको देखकर क्या याद आता है, इसको देखकर सूत्र कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, याद है कि भूल गए, क्या लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है क्या? तो बता दो मैं इसको क्या लिख लूं, बी प्लस ए लिख लूं क्या, बी प्लस ए और बी माइनस ए, सही है। अच्छा इसको देखकर क्या लगता है, वही वाला फॉर्मूला, तो इसको क्या लिख लेंगे बोलो जिससे सी प्लस ए और सी माइनस ए, सही है क्या? फिर से समझते हैं, देखो दो ही स्टेप हुए हैं, एक 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 दिखा क्या, एक एक दिखते से दिमाग में क्या आया, आर टू माइनस आर वन और आर थ्री माइनस आर वन, तो आर टू में से कौन गया तो क्या आ गया जीरो, बी में से कौन गया ए तो बी माइनस ए, बी स्क्वायर में से कौन गया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर वन में से आर थ्री में से कौन गया तो कितना हो गया सी माइनस ए और सी स्क्वायर माइनस, इनको देखकर हमको कुछ लगा कि लगा देना चाहिए, फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा जीरो तो अनंत है, अरे आदि और अनंत है, नहीं समझ में आया, अब अनंत कैसे, इसमें किसी का भी गुणा कर दो जीरो ही आएगा, और उसको किसी से भी भाग दे दो नहीं आया सन, अरे जीरो ही है वो, अनंत है वो अपने आप में, किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो और किसी से भी डिवाइड कर दो क्या आएगा जीरो। अच्छा मान लो कि ये ए प्लस बी है, मैं ऐसा बोल रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, मैं इसमें से ए कॉमन करता हूं तो ए कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा वन, फिर प्लस, और जिसके पास नहीं होगा उसके बटे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो मेरी बात सुनो, क्या बी माइनस यहाँ दिख रहा है इस वाले आर में, आर में देखो बी माइनस यहाँ दिख रहा है, बी माइनस यहाँ दिख रहा है, और ये कौन है जीरो, तो जीरो से तो कुछ भी ले लो जीरो ही होगा, नहीं आया सामने, अरे आ रहा है कि नहीं, तो आर टू से क्या कॉमन कर ले बी माइनस ए, और आर थ्री से क्या कॉमन कर ले सी माइनस ए, क्या समझ में आ गया, क्या लिखेंगे आर टू से बी माइनस ए इज कॉमन फ्रॉम आर टू, आर टू से बोलो बेटा बी माइनस ए व आर थ्री से बोलो जल्दी से सी माइनस ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है क्या, टेकिंग कॉमन फ्रॉम बी माइनस एंड सी माइनस ए आर टू एंड आर थ्री, आर टू और आर थ्री से हमने बी माइनस ए और सी माइनस ए को क्या कर लिया है कॉमन, क्या ये नहीं समझ में आया बता दो मुझे, तो बता दो बेटा बाहर एक तो कौन आ चुका है, बाहर कौन आ गया है बी माइनस ए आ चुका है, और कौन आ चुका है सी माइनस ए आ चुका है। अब अंदर की कहानी देखते हैं, अंदर की कहानी देखते हैं, यहां से कौन बच गया एक जीरो और जीरो, क्योंकि जीरो के डिवाइड में बच जाएगा, तो यहां कौन बच जाएगा बेटा ए एक और एक, क्यों, क्योंकि बी माइनस ए गया है सी माइनस ए गया है, इसमें देखो बेटा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए और सी प्लस ए, क्या ये समझ में आया, क्योंकि b माइनस ए गया है और c माइनस ए गया है, क्या इतना क्लियर है। अब एक्सपांड कर दो, अब प्रसार कर दो, तो देखो बाहर कौन है b माइनस ए इनटू में कौन है c माइनस ए, अब किससे प्रसार कर रहे हो एक से, क्योंकि इन दो से एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे हैं जीरो, अगर करोगे भी तो आंसर क्या आएगा जीरो, क्लियर है। तो देखो एक से किया तो ये तो गया स्तंभ, ये गई पंक्ति, क्लियर है, और इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा बेटा c प्लस ए, बीच में क्या आएगा माइनस, अरे होगा तो माइनस जा रहा है बेटा, तो माइनस b और माइनस a, अरे उस माइनस का अंदर इंटू कर दिया, तो बता दो a से a क्या हो गया, अब यहां से कौन बच गया b माइनस a, फिर कौन बच गया c माइनस a, और फिर कौन बच जाएगा बेटा c माइनस बी, जो प्रूव करना था उसमें था a माइनस बी, यहां पर क्या आया है b माइनस a, तो इससे क्या कर लो माइनस कॉमन करो, तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आप a माइनस बी, फिर इंटू सारे इंटू में ही तो है, हमको चाहिए b माइनस सी, पर यहां क्या आया है c माइनस बी, तो इससे भी माइनस क्या कर लो कॉमन, तो क्या बन जाएगा ये b माइनस सी, और क्या चाहिए c माइनस ए, और वो तो c माइनस ए ही है, सही है क्या, सारे इंटू में ही तो है, अब एक माइनस सी है और एक की माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और आंसर क्या आ जाएगा a माइनस बी b माइनस सी एंड c माइनस ए, हमको प्रूव करना था।
नहीं यार, फिर से समझते हैं, फिर से ही समझते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। क्या था? एक 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 था, ए बी सी था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। हमने अभी पढ़ा है कि अगर क्या आ जाए एक एक एक, तो क्या करना है, आर टू माइनस आर वन और आर थ्री माइनस आर वन। तो बताओ बेटा, ये आर वन में कुछ किया क्या? आर टू में से आर वन गया तो जीरो, बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर थ्री में से आर वन गया तो जीरो, सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब देखो, ये आर वन तो ऐसा कैसा, ये आर वन ऐसा कैसा, ये जीरो तेरा जीरो, ये बी माइनस ए तेरा बी माइनस ए। इसको देखकर सूत्र याद आ गया, इसको लिख दिया बी प्लस ए और बी माइनस ए। देखो ये जीरो तेरा जीरो, ये सी माइनस ए तेरा सी माइनस ए। इसको देखकर भी सूत्र याद आ गया, तो सी प्लस ए और सी माइनस ए। अब देखो यहाँ कौन दिखा, बी माइनस ए, यहाँ कौन दिखा, सी माइनस ए। वो क्या कर लिया, कॉमन। तो ये दोनों आ गए बाहर, ये अंदर, ये बच गया आपके पास, ठीक है। फिर क्या कर दिया, प्रसार। ये स्तंभ, ये पंक्ति सी प्लस ए, अंदर गया तो माइनस बी और माइनस सी, ठीक है, ये आ गया। दोनों को कर दिया कैंसिल, ये बी माइनस ए, हमको क्या चाहिए था, ए माइनस बी, हमने माइनस को क्या कर लिया, कॉमन। तो क्या हो गया, ए माइनस बी। फिर इनटू, हमको क्या चाहिए था, बी माइनस सी, माइनस कॉमन कर लिया, तो क्या हो गया, बी माइनस सी और ये सी माइनस, ये माइनस माइनस। जल्दी से बना लो, कर लिया, बनाओ बनाओ राजू, जल्दी से। इसका वीडियो भी मैं आप लोगों को, कल वाला क्या हुआ था पता है, कल के वीडियो में ये हुआ था कि बच्चे आए नहीं थे, तो जिस दिन बच्चे आते नहीं ना, उस दिन इसका वॉइस ही नहीं जाता है, तो वो म्यूट पूरा वीडियो बन गया था। नहीं नहीं, आज तो बच्चे हैं, तो इसका जो वीडियो है ना वो मैं भी सेंड कर दूंगा, तो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वापिस उससे एक बार, ठीक है, क्लियर है क्या? मैं आप लोगों को सेंड करते रहता हूँ, आप देखते होंगे ग्रुप में, कभी देखते हैं उसको, पहले वाले में ना, हो गया ये कंप्लीट, चले आगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखूं मैं, एक और बना लेते हैं जल्दी से, हटा दूं मैं क्या इसको, चलिए हटा दूं, नोट कर लेना है या फिर वीडियो से नोट कर लेना, पॉज करके उसको, उसको पॉज कर देना वीडियो को और उसमें से नोट कर लेना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, लिखो बेटा, शोधे सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि x प्लस चार दो एक्स, दो एक्स, दो एक्स, एक्स प्लस चार और दो एक्स, दो एक्स, दो एक्स, एक्स प्लस चार, सिद्ध कीजिए कि, ये लिखा बेटा, क्या लिखा आप लोगों ने, x प्लस चार दो एक्स, दो एक्स, दो एक्स, एक्स प्लस चार दो एक्स, दो एक्स, दो एक्स, एक्स प्लस चार और बराबर में जो हमको लाना है वो लाना है हमको पांच एक्स प्लस चार इंटू, ठीक है, चार माइनस एक्स का होल वर्ग। पांच एक्स प्लस चार और क्या लाना है हम लोगों को, चार माइनस एक्स का होल वर्ग। ये हमको क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, ठीक है, क्वेश्चन लिख पाइए। अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलएचएस, एलएचएस करने के बाद अगर आप इसको देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है पता, सिर्फ तीन अवयव है, कौन कौन, दो एक्स, दो एक्स और एक्स प्लस चार। देखो वही सभी दूर घूम रहे हैं, चाहे ऊपर नीचे आ रहे हैं पर घूम तो वही रहे। देखो यहां कौन है, एक्स प्लस चार दो एक्स, दो एक्स, देखो यहां भी कौन है, दो एक्स, एक्स प्लस चार और दो एक्स, यहां भी कौन है, दो एक्स, दो एक्स और एक्स प्लस चार, यानी अरे कॉमन अभी थोड़ी ना हो सकता है क्या है, ठीक है, हो क्या रहा है, वो ऊपर नीचे है ना, एक साथ थोड़ी ना है क्या, ऐसा होता तो जीरो ही हो जाता, वो तो दो पंक्ति दो स्तंभ समान होते, तो दो एक्स, दो एक्स, एक्स प्लस चार है, पर वो हो क्या रहा है पता है, घूम रहे हैं एक ही तीन ही अवयव। जब भी आप ऐसा समझ लो कि किसी भी डिटरमिनेंट में सारणिक में तीन ही अवयव है और वो तीनों आपस में घूम रहे हैं, नहीं आया समझ, कितने अवयव है, सिर्फ तीन, और वो तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे देखो ना, एक्स, दो एक्स, दो एक्स, यहाँ ये नीचे आ गया दो एक्स, एक्स प्लस चार और दो एक्स, यहाँ भी देखो ये और नीचे आ गया दो एक्स और एक्स प्लस चार, मतलब कुल मिलाकर है तो तीन ही अवयव ना, और वो तीन अवयव आपस में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जब भी आप ये देख लो श्याम कि तीन अवयव आपस में अगर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका मतलब अगर तीनों रो को यानी पंक्ति को अगर जोड़ दिया जाए तो उत्तर एक ही आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये दो एक्स और दो एक्स, चार एक्स और ये एक्स कितना हो जाएगा, पांच एक्स, और पांच एक्स प्लस चार आ जाएगा क्या। देखो ये दो एक्स और दो एक्स,
चार एक्स और ये एक्स कौन हो जाएगा, पांच एक्स और प्लस का चार आ जाएगा क्या, ये दो एक्स और दो एक्स चार एक्स और ये एक्स कितना हो जाएगा पांच एक्स और प्लस का चार आ जाएगा क्या। तो ऐसा जब भी दिख जाए ना आपको तो एक ही ऑपरेशन है, एक ही ऑपरेशन क्या है, आर वन बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी आर वन में क्या कर दो आर वन आर टू और आर थ्री को जोड़ दो, बाकी वाले ऐसे ही लिखा जाएंगे, सिर्फ ऑपरेशन कहां लग रहा है आर वन में। पर ये कब लगाना है, ये कब लगाना है जब तीन अवयव हो और तीनों आपस में क्या कर रहे हो घूम रहे हो, नहीं देखो एक दो और तीन ही तो अवयव है, एक दो और तीन पर घूम रहे नहीं आया समझ आ गया क्या, तीन एक जैसे होना चाहिए वो, मतलब तीनों में ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। तो बता दो यहां क्या हो जाएगा आर वन में क्या हो जाएगा पांच एक्स प्लस चार, सही है, यहां क्या हो जाएगा बोलो पांच एक्स प्लस, बताओ यहां क्या हो जाएगा पांच एक्स प्लस चार, समझ में आ गया क्या। आर टू में कुछ किया है क्या, नहीं, दो एक्स एक्स प्लस चार और दो एक्स। आर तीन में कुछ किया है क्या, तो क्या हो जाएगा दो एक्स और एक्स प्लस चार। अगली स्टेप तो मुझे 100% पता है कि आपको पता है कि क्या करने वाले, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्या हो जाएगा पांच एक्स प्लस चार को ठीक है ना आर वन में से कॉमन लेने पर, आर वन में से कॉमन लेने पर टेकिंग कॉमन एक्स पांच एक्स प्लस चार फ्रॉम आर वन, आर वन में से पांच एक्स प्लस चार को क्या कर लिया, तो बता दो बेटा बाहर कौन आ जाएगा पांच एक्स प्लस चार, बाहर कौन आ जाएगा पांच एक्स प्लस चार। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, यहां से पांच एक्स प्लस चार गया एक, यहां से पांच एक्स प्लस चार गया एक, यहां से पांच एक्स प्लस चार गया एक, और बाकी में कोई परिवर्तन, दो एक्स और एक्स प्लस चार और दो एक्स, समझ में आया कौन आ जाएगा बेटा दो एक्स और एक्स प्लस चार, क्या ये समझ में। देखो अब एक 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 आ गया क्या, कहां पर आया पंक्ति में, तो रटा रटाया हमारा यूनिक ऑपरेशन, बोल दो जल्दी से C2 इक्वल टू, और बोल दो बेटा C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। अच्छा बताओ थोड़ा बहुत आ रहा होगा, अगर तीन चार पांच बार इस चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा तो आ जाएगा क्या, ठीक हाँ वो भी देख सकते हो पांच एक्स प्लस चार, पांच एक्स प्लस चार। बता दो बेटा C1 में कुछ कर रहे हो क्या, ये C1 है ध्यान देना, ये C2 है और ये C3, C1 में कुछ कर रहे हो क्या, तो लिखे क्या एक दो एक्स और दो एक्स। C2 में कुछ कर रहे हैं क्या, C2 माइनस C1, एक में से एक गया तो अच्छा देखो बेटा ये कौन है x प्लस चार में से किसको घटा रहे हो दो एक्स को, तो देखो ये चार बचेगा और दो एक्स कैसा है और x कैसा है, तो क्या आ जाएगा माइनस का x, क्या समझ में आया, और दो एक्स में से दो एक्स गया तो जीरो। अच्छा बताओ अब क्या कर रहे हो C3 माइनस C1, देखो C3 तो एक में से एक गया तो जीरो, दो एक्स में से दो एक्स गया तो, और x प्लस चार में से दो एक्स गया तो चार माइनस एक्स, सही है क्या, अब आ गए दो जीरो क्या, प्रसार कर दें क्या, तो देखो ये पांच एक्स प्लस चार है कि नहीं है, ये रहा पांच एक्स प्लस चार इंटू में कौन आ जाएगा एक, इससे खोल रहे ना ये तो स्तंभ और ये पंक्ति, इसका गुणा इसमें करोगे तो बोलो बेटा क्या आ जाएगा चार, समझना चार माइनस एक्स का होल वर्ग, अरे और माइनस का कौन आ जाएगा जीरो, तो जीरो घटाओगे तो यही आना है, उत्तर कितना आ जाएगा बेटा पांच एक्स प्लस चार और इंटू में कौन आ जाएगा चार माइनस एक्स का होल वर्ग, और शायद आपको यही सिद्ध करना यही प्रूव करना था। पर बताओ क्या ये समझ में आया,